नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। बिहार की राजनीति में फिर एक नेता पर कलंक लगा है। इस बार राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री शासन काल में मंत्री रहे रविंद्रनाथ मिश्र दागी करार दिए गए हैं। हत्या के एक मामले में अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। छपरा के एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। हत्या के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र को छपरा में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वर्ष 2090 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आए एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने के मामले में पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ मिश्र व उनके अनुज हरेंद्र मिश्रा पर सांसद व विधायक के मामले के त्वरित निष्पादन के लिए बने विशेष कोर्ट के न्यायाधीश एडीजे तृतीय के कोर्ट में आज पेशी थी। इसमें पूर्व मंत्री के भाई को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। वहीं पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्र को दोषी करार देते हुए हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि साल 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। उनके तरफ से की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गई थी, जिसमें मतदान करने के लिए आए उमा बिन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक और बूथ संख्या 175 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव की ओर से मांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पीठासीन अधिकारी मल्लिक ने किसी को भी पहचानने से इनकार कर दिया था, जबकि महेश प्रसाद यादव ने पूर्व मंत्री और निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्रनाथ मिश्र और उनके छोटे भाई हरेंद्र मिश्र समेत अन्य को हत्या में संलिप्त बताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सजा के बिंदु पर अगले सप्ताह सुनवाई होगी। रविंद्र मिश्रा राबड़ी देवी की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। बताते चले कि रविंद्र मिश्र वर्ष 2000 में मांझी विधानसभा से निर्दलीय विधायक चुने गए थे और राबड़ी देवी की सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे। वही अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट के द्वारा उन्हें हत्या मामले में दोषी करार दे दिया गया है। अब उन्हें सजा का ऐलान होगा। 21 फरवरी को तय होगा कि पूर्व मंत्री की आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, कोर्ट उन्हें कितनी सजा सुनाएगी, इस पर चारों ओर चर्चा हो रही है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। नमस्कार।